और इस सर्टन स्टैंडर्ड के ऊपर उनको आउटकम भी रिक्वायर्ड है लेकिन अगर आठ घंटे के अंदर उनको एम्प्लॉय जो आपके इंडिविजुअल्स हैं उनकी तरफ से उतना एफिशिएंट चीज़ नहीं मिलती जैसे हॉर्थन स्टडीज के अंदर लैंप के साथ लगाया गया था कि आठ घंटे के अंदर उनकी प्रोडक्टिविटी टोटल है कितनी तो पता चला था कि ये बहुत कम होती है जितना उनको दिया जाता है तो इस तरीके से यहाँ से ये रिजल्ट की फाइंडिंग आना शुरू हुई और फिर वेज रेट के ऊपर कैलकुलेट करना शुरू किया और फिर लेबर और कॉस्ट के ऊपर आ गया फिर कैपिटल और लेबर के ऊपर आ गया कि आपका कैपिटल कितना है और आपकी लेबर कितनी है यहाँ पे समझिए कि फिर आउटपुट को अपने समझना है जब कैपिटल और लेबर समझ लेंगे तो आपकी कैपिटल अमाउंट कितनी है लेबर कितनी है फिर आपको रिजल्ट निकालना है आपका आउटपुट कितना है आउटपुट इज डिफाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्मलेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड नॉन मार्केट एफिशिएंसी ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर

जैसे मैंने तीन चार वेरिएबल्स बताए एक तो ह्यूमन लेवल इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है जिससे आप फियर होप रिजेंटमेंट या मुख्तल चीज़ों से आप ड्राइव होते हैं इन चीज़ों के बगैर ह्यूमन बॉडी जो है ये ह्यूमन ब्रेन जो है वो मोटिवेट ही नहीं होता फिर उसके बाद उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है हंगर है फिर उसका जो है रिक्वायरमेंट है फिर उसकी सेल्फ इस्टीम है और फिर एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना ये भी उसके मोटिवेशनल फैक्टर है दूसरे फैक्टर में इंट्रा प्लांट मोटिवेशनल एफिशिएंसी विद इन द वर्क प्लेस आपको कितनी एफिशिएंट चीजें मिल रही हैं आपको काम में मजा आ रहा है आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेहतर है आपकी जॉब्स डन कितनी है आपकी जॉब डन होने के बाद आपके रिजल्ट फाइंडिंग्स कितनी है प्रोडक्ट के अंदर कितनी बेहतर चीज आ रही होती है आपने देखा होगा कि मोटिवेशन फैक्टर में यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर वो प्रोडक्ट नंबर वन है तो उससे एसोसिएटेड एम्प्लॉय जो है वो बड़ा खुश होता है और वो कहता है कि दिस इज वट वी प्रोड्यूस दिस इज वट आर ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तो ये दोनों का कलेक्टिव जो मीन निकलेगा वो मोटिवेशन से निकलेगा ना मूव ऑन टू द नॉन मार्केट इनपुट एफिशिएंसी जिसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर निकलता है एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है उसके ऊपर आप देखें तो मेरा कितना इनपुट है टोटल प्रोसेस कितना है और आउटपुट कितना निकलेगा अब इसमें जरूरी चीज और जरूरी अमल यह है कि एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मेरा रेसिप्रिएट रेसिप रेसिप्रोकल इफेक्ट निकलता है मेरी ह्यूमन बीइंग परफॉर्मेंस के ऊपर एज बींग ह्यूमन इंडिविजुअल और एम्प्लॉय की तरफ से आपका जो ओवरऑल आपकी कैपेसिटी दी जाती है द गिवन कैपेसिटी और रिजल्ट की फाइंडिंग और रिजल्ट की फाइंडिंग कहाँ निकलती है जो मेरा आउटपुट है और आउटपुट से जो रिज़ल्ट निकलेंगे वो मेरे किसी न किसी सूरत के अंदर कोई ना कोई शक्ल इख्तियार करेंगे थैंक यू वेरी मच